हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग सेशन में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं एक सेटअप ला के रखा और इस आज का वीडियो में मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन कैसे चेक करते हैं उसका तरीका मैं दो तीन टाइप से जो हम लोग चेक करते हैं उसका ही तरीका मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को ये मीटर से मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा डीएसओ पे हम लोग कैसे उसका ग्राफ देख सकते हैं, और थर्ड मैं मेनली जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा खुद का बना हुआ एक टेस्टर है और जिसके थ्रू हम लोग UVW भी टेस्ट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके दिखा रहा हूँ। मैं पहले मल्टीमीटर से ही दिखाऊंगा। तो मैंने सेट पे लाइन दे दिया, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये मल्टीमीटर का जो ग्राउंड प्रॉब है मैंने न्यूट्रल पे लगा के रखा और ये पॉजिटिव प्रॉब मेरे हाथ में है, तो इसको मैं अभी ये जो कम्युनिकेशन का पोर्ट है यहीं पर लगा रहा हूँ और मीटर पर देखते रहिए ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन हो रहा है 18, 16, 2, 20 ऐसे ऐसे करके फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो ऐसे अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन दोनों तरफ से ही चल रहा है, ठीक है। मल्टीमीटर से चेक करने का ये प्रोसेस है। तो चलिए मैं नेक्स्ट अभी डीएसओ पे दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ग्राफ दिखाई देगा। तो इसमें भी मैंने ऑलरेडी इसका नेगेटिव प्रोब को मैंने न्यूट्रल पे लगा के रखा और सिग्नल के साथ में और एक मैंने ये क्लाम भी लगा के रखा, इसको मैं यहीं पे अटैच कर रहा हूँ। इसको अभी सेट करना है। अभी ये देख पा रहा है ये जो कम्युनिकेशन जब होता है तो ऐसे बाइनरी कोड में इसका ग्राफ चलते हैं। तो ये अगर कंटिन्यू आपको वेरिएशन में मिलेगा तो ये पता कर सकते हैं कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मैं कम्युनिकेशन खोल के भी दिखाऊंगा बाद में क्या चेंजेस आता है। अगर दोनों तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या कंडीशन होता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये बाइनरी कोड चल रहा है, अभी एक दूसरे के साथ बात चल रहा है। मैं अगर इस कंडीशन में मैं दिखाऊं, इसको मैं लगा के ही रखता हूं, और मैं अगर ये कम्युनिकेशन मैं आउटडोर से अगर खोल लूँगा, यहीं पे कनेक्शन किया हुआ है, मैं खोल दिया, इस कंडीशन में मैं अगर इसको लगाऊंगा तो आप देख पाएंगे यहीं पे कोई ग्राफ शो नहीं हो, सिर्फ फिक्स वोल्टेज शो हो रहा है जो पावर बैंक का सप्लाई वोल्टेज है, मतलब कम्युनिकेशन सेक्शन का जो पावर बैंक है उसका ही सप्लाई यहीं पे शो हो रहा है 23.5 वोल्ट। और ये कहाँ पे लगा हुआ है? मेरा इंडोर पे लगा हुआ है। मतलब इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं क्या कम्युनिकेशन के लिए जो पावर बैंक है अभी इस बोर्ड के लिए इंडोर में लगा हुआ है, इसलिए ये अभी 24 वोल्ट का फिक्स पावर सप्लाई शो हो रहा है। इसको मैं अगर आउटडोर पे लगाऊंगा तो कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि इसका पावर बैंक इंडोर में है। देखिए, इसमें कुछ भी वोल्टेज शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से जो कम्युनिकेशन होगा तब जाके ये आपको वेरिएशन मिलेगा। देखिए, अभी मैं लगा रहा हूँ, आपको वेरिएशन दिखाई देगा। देखिए, अभी ये पल्स शुरू हो गया है। तो ऐसे ही हम लोग अगर दोनों तरफ से ओके कंडीशन में कम्युनिकेशन चलते हैं तो ऐसे ही आपको ग्राफ दिखाई देगा। और मैं मीटर में भी दिखा रहा हूँ, अगर मैं इंडोर आउटडोर का कम्युनिकेशन खोल दूंगा तो इस कंडीशन में भी आप मल्टीमीटर में देखेंगे सिर्फ जो पावर बैंक का सप्लाई है कम्युनिकेशन के लिए वही शो हो रहा है 23.72 जो इसमें भी शो हो रहा था, ठीक है। जब मैं इसको जोड़ दूंगा तो अभी मुझे ये फ्लक्चुएशन मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने दो टाइप से दिखा दिया। अभी मैं मेरा जो मॉड्यूल है इसमें ही दिखा रहा हूँ, इसके थ्रू आप कैसे पता कर सकते हैं। आपके पास अगर ये डीएसओ नहीं होगा, मल्टीमीटर से तो आइडिया लगा सकते हैं, तो उसके बाद इससे आप कैसे पता लगाएंगे ये देख लीजिए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए
यहीं पे ये मेरा UVW टेस्टर भी है, ये तीनों वायर के बीच में मैंने योलो वायर को मैंने वहीं पे ला के रखा। तो DSO को मैं खोल रहा हूँ और इसको मैं यहीं पे ही लगा रहा हूँ। अभी मैं टेस्टर पे दिखाऊंगा टेस्टर पे क्या चेंजेस हो रहा है। ये कम्युनिकेशन का ये वाला वायर है तो इसको मैं अभी यहीं पे लगाऊंगा। देखिए एक तो ये वाला वायर मेरा ये न्यूट्रल के साथ लगा हुआ है और आप लोग शायद यहीं पे ये दोनों LED पे देख पाएंगे, ये LED का जो ग्लो है ये फ्लैक्चुएट हो रहा है, शायद दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका ग्लो देखिए ब्लिंकिंग हो रहा है, ब्लिंकिंग हो रहा है मतलब ये कम्युनिकेशन दोनों तरफ से चल रहा है। और यहीं पे मैं अभी इसको खोल रहा हूँ, फिर लगाया, देखिए ये कम्युनिकेशन चल रहा है। मैं जब इस कंडीशन में मैं इंडोर का और आउटडोर का कनेक्टिविटी जब खोल दूंगा तो आपको पता है इंडोर में ही इसका पावर बैंक लगा हुआ है, तो यहीं पे मैं लगाया। अभी देखिए कम्युनिकेट नहीं हो रहा है इसलिए ये फुल ग्लो में चल रहा है, ठीक है। तो जब कम्युनिकेट होगा तो ये फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं ये कम्युनिकेट हो रहा है। तो और भी मैं इस वायर को छोड़ के मैं अगर इसको लगाऊंगा तो दूसरा LED चालू हो जाएगा। देखिए अभी रेड और ब्लू देखिए ब्लिंकिंग में चल रहा है। तो ऐसे हम लोग ये कम्युनिकेशन को चेक कर सकते हैं, देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है। तो मैं अभी ये जो मेरा मॉड्यूल है इसमें सप्लाई दिया हुआ नहीं है, मैं दिखा भी सकता हूँ। ये सप्लाई को मैंने खोल दिया, सप्लाई अभी इसमें कुछ काम नहीं कर रहा है, बिना सप्लाई पे ही ये कम्युनिकेशन का सिग्नल दे रहा है। तो मैं जब इसमें लाइन दूंगा तो क्या होता है ये देखिए, एक ही साथ में ये दोनों काम करेगा। अभी मैंने यहीं पे लाइन दिया, इस कंडीशन में देखिए अभी ये दो LED फुल ग्लो में, ये दोनों फुल रहेगा और ये दोनों फ्लक्चुएशन में दिखाई देगा। तो इसको मैं जब खोल दूंगा, अभी देखिए दोनों ब्लिंकिंग चल रहा है, इसको मैं जब लगाऊंगा देखिए ये ब्लू जो है ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये कम्युनिकेशन चल रहा है। इसको मैं जब खोल दूंगा तो देखिए तीनों जैसा सीक्वेंस में चल रहा है ऐसा ही चल रहा है। मैं अभी अगर रेड को लगाऊंगा तो इसमें देखिए अभी ये ग्रीन वाला फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब कम्युनिकेशन सही से हो रहा है। फ्रेंड्स मैंने अभी कनेक्शन कर ली है, जो बोर्ड का जो UVW कनेक्टर है इसके साथ मैंने मेरा जो मॉड्यूल है इसका UVW को मैंने कनेक्ट कर दिया इसी सॉकेट पे। तो अभी सेट पे लाइन भी दिया हुआ है, ये कम्युनिकेशन चल रहा है आप देख पा रहे हैं। तो ये UVW आउटपुट होने में कम से कम 3 मिनट 3.5 मिनट का समय लेता है, तो उसके बाद ये ऑन होगा तो आप लोग यहीं पे देख पाएंगे। इस कंडीशन में ये दोनों जो सेक्शन है दोनों अलग अलग बटा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये जो सेक्शन है ये आपको मैनुअली UVW आउटपुट शो कराएगा और ये आपको डिजिटली दिखाएगा, क्योंकि सबको ही पता है UVW जो आउटपुट होता है बिना लोड पे ये 1-2 सेकंड के अंदर ही वो प्रोटेक्शन में चला जाता है, उसके बीच में ही ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये कैप्चर कर लेगा और आपको पूरा मोमेंट शो कराएगा ये आउटपुट सही से हो रहा है कि नहीं, और ये जल के ये बंद हो जाएगा जैसे मैनुअल सिस्टम होते हैं। तो बाकी कभी कभी क्या होता है मैं पहले से ही बताऊं, सेट में लाइन दिया हुआ है समय लग रहा है तो उसके बीच में इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको, ये जो ये 6 LED लगा हुआ है UVW के लिए, तो इसमें कभी कभी क्या होता है 3 जलता है 3 बंद रहता है। और मैंने यहीं पे जो कलर भी मार्किंग करके रखा है रेड ग्रीन और ब्लू, तीनों तीनों का आउटपुट में लगा हुआ है अप एंड डाउन में, ठीक है। अगर तीनों भी जल रहा है बाकी तीनों नहीं जल रहा है मतलब UVW आउटपुट हो रहा है, क्योंकि कुछ कुछ बोर्ड ऐसे कम समय में प्रोटेक्शन में चला जाता है तो ये पकड़ नहीं पाता है। तो आपको ध्यान में रखना है रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों जल रहा है कि नहीं,
अगर तीनों जल रहा है मतलब वो ईवीडब्ल्यू सही से आउटपुट दे रहा है। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ भी बताऊँ, मेरा ऑलरेडी इन्वर्टर एसी और फ्रिज पीसीबी का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्स ही चालू है। और ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इन्वर्टर एसी इन्वर्टर फ्रिज का पूरा डिटेल्स लाइव वीडियो के माध्यम से क्लासेस मेरा चलता है, कोई भी एप्लीकेशन का माध्यम से मेरा क्लासेस नहीं होता है। तो ऑनलाइन का क्लास मेरा अगले अप्रैल से ही चालू हो रहा है, आप लोग जिन्होंने इंटरेस्टेड होंगे जल्दी अपना सीट बुक कर सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग मेरा अभी इसी महीने का 22-24 मार्च में है, जो 3 दिन का है, वेस्ट बंगाल में है, वहीं पे आपको इन्वर्टर एसी पीसीबी का पूरा कंप्लीट जो कोर्स है वो मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स शायद समय हो रहा है ये 3 मिनट होने में, क्योंकि 3 मिनट जब होने जाएगा तो ये रिले आवाज़ किया, अभी यहीं पे नज़र लगाइए। देखिए ये तो जल के बंद हो गया है जो मैनुअल सिस्टम है, और इस कंडीशन में देखिए ये रेड ग्रीन ब्लू तीनों ही ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब ईवीडब्ल्यू आउटपुट मेरा सही है। क्योंकि कुछ कुछ मेरा दूसरा कुछ बोर्ड में ऐसा होगा ये 6 के 6 LED ही घूमेगा, लेकिन ये तुरंत बंद कर लिया इसलिए ये तीनों जला रहा है, तीनों भी जलेगा तो ईवीडब्ल्यू आउटपुट सही है। तो ऐसे ही देखिए एक ही मॉड्यूल पे हम लोग कम्युनिकेशन भी चेक किया, साथ ही साथ में हम लोग ईवीडब्ल्यू आउटपुट भी चेक किया। और ये जो सर्किट मेरा बना हुआ है, ये सर्किट का जो डिटेल्स है ये मैं मेरा ट्रेनिंग पे, जो ऑफलाइन ट्रेनिंग हो या तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, वहीं पे मैं शेयर करता हूँ ये आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। तो एक ही मॉड्यूल दोनों तरफ से ही काम कर रहा है, कम्युनिकेशन के लिए भी काम कर रहा है ये, और ईवीडब्ल्यू टेस्टर के लिए भी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स आज यही इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को, तो शायद अच्छा लगे होंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल पर नया है, मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही से पहुँचे। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहीं तक है।